हेलो बच्चों, आज छोटी सी परिभाषा से हम पूरे रसों का ज्ञान कराएंगे। एक ट्रिक है, देखिए, आप श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, करुण रस का स्थायी भाव शोक, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, हास रस का स्थायी भाव हास, इतने ही ज़्यादा रस पूछे जाते हैं पेपर में। और देखिए, यहाँ पर सभी रसों की एक कॉमन परिभाषा इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा, जब ये खाली स्थान नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभव और संचारी भावों से संयोग करता है तो खाली स्थान नामक रस उत्पन्न हो जाता। इधर रसों का नाम लिखना है और इधर स्थाई भावों का नाम लिखना। अब जैसे मान लिया आपको श्रृंगार रस की परिभाषा बनाना है ना, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या, रति। तो रति को यहाँ लिखो रति। तो जब रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव और संचारी भावों से संयोग करता है तो ये श्रृंगार आपका यहाँ हो जाएगा, श्रृंगार नामक रस उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे मान लिया आपको करुण रस की परिभाषा बनाना है तो शोक को यहाँ भरो और करुण को यहाँ भरो। अब मान लिया वीर रस की परिभाषा बनाना है तो उत्साह को यहाँ भरो और वीर को यहाँ भरो। जैसे मान लिया आपको शांत रस की परिभाषा बनाना है तो निर्वेद को यहाँ भरो और शांत को यहाँ भरो। तो परिभाषा बना जाएगी, जब निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तो शांत नामक रस उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे मान लिया बच्चों आपको जो है हास्य रस की परिभाषा बनाना है, हास्य रस की, तो हास को यहां लिखो और हास्य को यहां लिखो तो आपकी परिभाषा बन जाएगी, जब हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तो हास्य नामक रस उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से एक छोटी सी ट्रिक में आप सभी रसों की परिभाषा लिख सकते हैं और बढ़िया नंबर मिलेंगे। धन्यवाद।